नाज़रीन झाल चकिया की दाल। ये जो दाल मसूर है असल में यही झाल चकिया की दाल है। पाकिस्तान के मशहूर खानों में झाल चकिया की पतली दाल मशहूर है जो देसी घी के तड़के के साथ होती है। आप हमारे तरीके से झाल चकिया की दाल खा सकते हैं अपने घरों में खुद तैयार करके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी कुज़ीन चैनल में खुश आमदीद। आप कैसे हैं नाज़रीन? अल्लाह से दुआ है आप खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ झाल चकिया की मशहूर देसी घी के तड़के वाली दाल। इसमें कम चीज़ें होती हैं लेकिन इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी टेस्टी होता है। आप जब ये खाएंगे और बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दाल कितनी मज़े की होती है। आपने हमारे तरीके को ही फॉलो करना है। चलते हैं झाल चकिया की दाल बनाते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले पानी को बॉयल करना है। पानी को मैंने बॉयल करना रख दिया है। 1.5 लीटर के करीब मैंने पानी लिया है। मेरे पास एक बाउल जो दाल का है वो उसके लिए 1.5 लीटर ही काफ़ी है। तो मैं पहले इसे बॉयल करने के लिए रख दूँगी, तो बाकी का जो प्रोसेस है बाद में करते हैं। नाज़रीन, हमारा पानी बॉयल हो चुका है, तो अब हम इसमें ये मसाला जात डालेंगे। नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पिसी हुई 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून। ये दाल मसूर 1 प्याला। नाज़रीन, इसमें जब दाल मसूर डालनी है उबलते हुए पानी में, तो इसमें चम्मच बिल्कुल ही नहीं यूज़ करना, नहीं हिलाना, वरना ये जो दाल है ये सख्त हो जाती है और ये गलती नहीं है। तो इसे हम पकने तक रख देते हैं ढक के। इस जब हमारा टाइम पूरा होगा हम 10 मिनट बाद आके इसे खोल के देखते हैं, फिर चेक करते हैं कि ये पकने लगी है या नहीं। नाज़रीन, आपने ढक्कन को इस तरह से रखना है क्योंकि इसमें गैप होना चाहिए ताकि ये दाल को जब उबाल आए तो ये बाहर आपकी गिरे ना। तो नाज़रीन, अभी भी इसमें ये दाने से नज़र आ रहे हैं, तो इसमें मैं चम्मच नहीं हिला रही क्योंकि जब इसमें चम्मच हिलाया जाता है तो ये सख्त हो जाती है और ये गलती नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी दाल होती है। ये जो दाल मसूर है असल में यही झाल चकिया की दाल है। बाज़ लोग यहाँ पे बनाते हैं दाल चना और दाल मूंग को मिक्स करके ग्राइंड करके उसको तड़का लगाते हैं, वो दाल चकिया नहीं होती। जो झाल चकिया की दाल है तो वो यही मसूर की दाल है, लाल कलर की जो दाल होती है इसी को तड़का लगता है और इसी को बनाया जाता है। तो फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए इसे रख रहे हैं ताकि ये दाने भी इसके जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। चेक करते हैं नाज़रीन, ये दाल हमारी करीब लग चुकी है। तो अब मैं इसमें मैंने चम्मच हिलाया है, तो अब हम लोग उधर तड़के की तैयारी करते हैं। पैन को हमने चूल्हे पे रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दी है। तो इसमें मैं अब देसी घी डाल रही हूँ, 1/2, इसमें ये घी डलेगा। नाज़रीन, इसमें देसी घी डाला जाता है, देसी घी का तड़का लगाते हैं। इसमें ये 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये जब लहसुन हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाए तो इसमें ये धड़ा मिर्च डाल देंगे। ये दो चीज़ें जो है तड़के के लिए बहुत ही अच्छी है और इनके साथ जो जायका और खुशबू दाल की बनती है
तो वो बहुत ही मज़े की बनती है और खुशबू तो दूर दूर तक फैल जाती है। नाज़रीन, हमारा ये तड़का जो है ये तैयार हो चुका है। बस इसे इतना ही आपने करना है ब्राउन, तो इसको हम अब दाल में डालने लगे हैं। इसके बाद इसको हम लोग ढक देंगे और दम पे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 2-3 मिनट के लिए। हमारी दाल तकरीबन तैयार होने लगी है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है नाज़रीन झाल चकिया की दाल। हमें उम्मीद है कि आपको ये डिश पसंद आई होगी। बहर ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी अब हमारे तरीके से झाल चकिया की दाल खा सकते हैं, अपने घरों में खुद तैयार करके। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अपनी दुआओं में याद रखना। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।